तो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जीएनए कलेक्शन में एक बार फिर से आपका वेलकम और स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि कोलकाता के अंदर क्वाइन नोट्स टोकन मेडल का एग्जीबिशन चल रहा है और जिसका स्टार्टिंग हुआ था 22 तारीख को, फ्राइडे के दिन 22 जुलाई 2022, और इसका आज आखिरी दिन है, संडे है। और इसके बाद और इस जो ये एग्जीबिशन हो रहा है, इसका अंदर का वीडियो इसलिए मैं नहीं बना पाया क्योंकि उसके रीज़न है कि बहुत सारे फेक ऐसे यूट्यूबर है जो गलत लोगों को जानकारी देते हैं, फिर जो लोग वो देखते हैं कॉमन क्वाइन का भी वैल्यू हाई बता देते हैं या नोट्स का, तो वो घर से निकलते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बहुत महंगा क्वाइन है। जब यहाँ पर आते हैं, वो स्टॉल पर घूमते हैं, तो सारे जो स्टॉल वाले जो क्वाइन डीलर होते हैं या जो कलेक्टर होते हैं, उनको लगता है, वो परेशान हो जाते हैं। अब एक कॉमन क्वाइन की कीमत जब वो एग्जीबिशन के अंदर आते हैं तो 10 रुपये की क्वाइन की कीमत बताते हैं, 50,000 है सर, 1,00,000 रुपये हैं, तो जो स्टॉल वाले वो नाराज़ हो जाते हैं। जो डीलर है, जो ऑल ओवर इंडिया से डीलर आते हैं, उनको ऐसा लगता है यार हम कहाँ आ गए। तो उसके लिए क्या किया है कि एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइज़र है कोलकाता नुमिस्मेस्टिक सोसाइटी के, उन्होंने बोला है वहाँ तक के फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है, यानी आप जाकर सेल्फी भी नहीं ले सकते हो और वीडियो बनाना तो दूर की बात है। अगर कोई बनाता है चोरी छुपके, तो अगर उसको पकड़ाता है तो उसका बहुत ज़्यादा फाइन है, तो इसके लिए वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, ये जस्ट आउटसाइड व्यू है, थोड़ा व्यू दिखा दीजिए चारों तरफ का व्यू, क्योंकि बाहर में भी बहुत सारे जो जिनको अंदर स्टॉल नहीं मिलता है या वहाँ पर स्पेस नहीं रहता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे डीलर इस एग्जीबिशन हॉल के बाहर में वो एग्जीबिशन ये स्टॉल छोटे छोटे अपना फुट पे लगाए हुए, ये आप देख सकते हैं, ये सारे भी डीलर ही है या क्वाइन कलेक्टर हैं। अच्छा, अब इसमें क्वाइन के बारे में क्या होता है, बहुत सारे जो डीलर होते हैं वो स्पेशल रेयर क्वाइन लेते हैं और वो स्केयर लेते हैं, कॉमन क्वाइन नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको फुटपाथ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सी भी क्वाइन लेंगे, लेकिन उसकी एक होगी वैल्यू कम होगी। जैसे बहुत सारे लोग अपना मार्केट में क्वाइन चल रहा है कॉमन है, उसको एग्जीबिशन में लाकर लाए और यहाँ पे सेल करते हैं, अंदर में सिर्फ अच्छा कंडीशन में चलता है। अच्छा, आज हमारे एक सब्सक्राइबर से बात कराएंगे जो कोलकाता में ही रहते हैं, थोड़ा इनका इनका अनुभव जानेंगे, ये कितने दिन से इस फील्ड में हैं, क्या सोचकर यहाँ आए हैं और कैसे कैसे वीडियो देखे हैं। कुछ देर पहले इनसे एक हमारी बात हुई, वो भी हम शेयर करेंगे। सर, गुड नेम क्या हुआ आपका? इधर इधर देखिए, राजेश कुमार शाह। राजेश कुमार शाह, आप कहाँ से हैं पूरा बताइए। सोनपुर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ कोलकाता में रहते हैं, न्यू अलीपुर में। अच्छा, यहाँ आप आए हैं एग्जीबिशन में, तो कैसे सब शुरुआत किया, क्या लगा, क्या सोच कर आए इस फील्ड में, यानी ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड है एंटिक का, तो कुछ सोच ही कर तो आए होंगे पहली बार। एक आदमी से मैंने सुना था इस बारे में, उसके बाद में मैंने जो न्यूज़ देखा तो जो फेक न्यूज़ वो देते हैं, वो एक क्वाइन का नाम बताते हैं 7 लाख 6 लाख। ओ दादा, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, बाद उधर जगह बात आते हो तो आपको एक्चुअल मालूम होता है कि उसमें वैल्यू ही नहीं है। जी। और गुलाम भाई से क्या होता है, गुलाम भाई बिहार से बिलोंग करते हैं, देख अपनापन में लगता है और समझाने का तरीका एक अपना घरेलू टाइप का लगता है। नहीं नहीं, हमारा अपनापन नहीं, हमारे लिए सारे लोग अपने हैं, हमारा काम है सही जानकारी देना। अच्छा, आपको एक नोट दिया था, वो थोड़ा दिखाएंगे, एक मिनट। ये राजेश जी को मैंने एक ऐसे ही इनसे एक्सपीरियंस पूछा, ये छोटा छोटा कलेक्शन करके लाए थे जो सारे कॉमन थे, तो मैंने ये नोट दिखाया अपने पास से, मैंने जस्ट इनको एक एक्सपीरियंस पूछा कि इनका क्या रेट है, तो इन्होंने बताया कि इनका रेट 500 होना चाहिए, लेकिन मैंने इनको फिर बताया इसका गड्डी का रेट 1000 रुपीज़ से, 800 से 1000 रुपीज़ होता है, इस नोट का कीमत 8 रुपया होता है। अगर ये अनजाने में कहीं सुने होंगे, माँ 500 है, फेक यूट्यूब वीडियो देखे थे, अगर उनको तो इनको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिला, तब ये 500 रुपया बता रहे हैं। अगर बाई मिस्टेक आप 100-200 पीस खरीद लेते, 500 रुपया खरीद के लाते और यहाँ पे 7 रुपये बेचना पड़ता, तो कैसा लगता। अच्छा मैम, आप बताइए, आप भी आप इनके, अच्छा आप भी वीडियो देखते हैं क्या इसका? हाँ, नहीं नहीं, तो देखिए कोई भी चीज़ आप शेयर कीजिए, क्योंकि सारे लोग स्टार्टिंग में ही कुछ करते हैं, कोई नए लोग जुड़ते हैं, है ना, तो उसको देखिए, कोई धोखे से जुड़ता है, कोई सही अच्छे से जुड़ जाता है। अगर मान ली मेरा जो चैनल देखते हैं, तो हम जो ये ग्राउंड में जो एग्जीबिशन के अंदर होता है वही रियल बताते हैं, उसकी जो वैल्यू है ये आप रख लीजिए, जो उसकी वैल्यू है, कितने में सेलिंग होता है, कितने में बाइंग करते हैं, वही चीज़ बताते हैं। हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं चाहता हूँ इसको शेयर करूँ। और जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कोई कलेक्शन करना चाहते हैं,
कोई सेल करना चाहते हैं तो जो सेल करने वाले हैं उसको सही कीमत मिले, सही का मतलब गलत सलत नहीं, जो इसे के अंदर है तो सही कीमत मिले ताकि उसको नुकसान नहीं हो। या जो कलेक्शन करते हैं, अब कलेक्शन में है कि कोई क्वाइन की कीमत 50 रुपया है लेकिन कोई नया कोई सेल करने वाला है वो 50 को 500 में बेच देता है। अब अगर वो 5 साल के बाद उसकी कीमत 100-200 हुई, उसको कभी ज़रूरत हुआ कलेक्टर को बेचने का, वो करने गया तो बोला 200, तो बोला मैं तो 500 में लिया हूँ, तो ऑलरेडी 300 का लॉस हुआ ना। हाँ इधर है, तो लॉस हुआ टाइम का, हर चीज़ का। तो हमारा मेन उपदेश है कि सही जानकारी देना, ताकि किसी लोगों का अगर कोई चीज़ गलत किसी ने बता दिया और उसका वैल्यू लाखों में बता दिया, उसको तो लोकल में मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो फेक यूट्यूब वाले हैं वो कॉमन चीज़ का ही लाखों में वैल्यू बताते हैं, क्योंकि वो लोगों को आसानी से मिलती है। अगर रेयर रहोगा तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो पड़ेगा नहीं उसके चक्कर में। अब फिर बहुत सारे हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे प्राइस वो लेते हैं, और फिर आप 500-2000 आपने कभी दिया है क्या, बताइए। अच्छा सुना है, तो बहुत सारे कंपेयर किया आपने उसमें, तो बहुत अंतर लगा। क्या अंतर लगा आप बताइए, आप थोड़ा नजदीक। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज का कुछ दाम नहीं बोलते हैं आप जी, और सब जो करते करते रजिस्ट्रेशन बोलते हैं 2000-2500, कोई 2500, कोई 500, कोई 700, ऐसा करके फैक्ट्री बोलते हैं जी। इस सब में हम सब ध्यान नहीं दिया, अब आपका देखते हैं आपको स्वाद। आ जाइए, इस एग्जीबिशन में कोई चार्ज लगा? नहीं जी, कोई चार्ज, कोई प्रोसेसिंग फी लगा? नहीं नहीं कोई। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ना कोई चार्ज लगा है ना कोई प्रोसेसिंग फ़ी लगा है। बाहर वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेदर भी ख़राब है, बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते, थोड़ा सा सिर्फ सामने दिखाइएगा, लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं, नीचे भी बहुत सारे भीड़ रहते हैं, लेकिन वेदर ख़राब है। इसके लिए मैं बहुत पहले से बनाना चाहता वीडियो लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि वेदर भी ख़राब है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी आते हैं, व्यूअर भी आते हैं, तो उन सब का भी कलेक्शन देखना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, 24 जुलाई 2022, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप मेरा वीडियो एक हफ्ता के बाद देखो, 10 दिन के बाद देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं, अब दिल्ली एग्जीबिशन हुआ, ख़त्म हुए 15 दिन, वो बोलते हैं क्या अभी दिल्ली में एग्जीबिशन चल रहा है क्या, वो जब देखेंगे उनको लगेगा अभी चल रहा है। अरे भैया वैसा नहीं होता है, कोई भी एग्जीबिशन होता है उसका एक टाइम शेड्यूल बना होता है, उस टाइम के बाद वो एग्जीबिशन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या जो भी मेरे नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वाइन नोट्स की जानकारी या कहाँ पे सेल होगा, कैसे सेल होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के अंदर है। कोई भी नए व्यूअर आए तो एक दो वीडियो देखकर वो समझते हैं जड, उसको कोशिश होती है डायरेक्ट सेल करें, तो उसका एक रीज़न है कि आप सबसे पहले मेरे वीडियो बहुत सारे बनाए, उसको देखें समझें, फिर सेल करने का कोशिश करें, और सेल करने से पहले सबकी कीमत जान लें, जब तक कीमत नहीं जानेंगे सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, GNA कलेक्शन के तरफ से आप लोग का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।